अभी एक्सप्लोर करते हैं। ये है बिन्नी दी, हाय कर दो हाय। तो अभी हम चलते हैं अंदर और देखते हैं क्या क्या है अंदर, ठीक है? तो चलो, बहुत कुछ है अंदर देखने के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत सुंदर है, बहुत ज़्यादा सुंदर, और मतलब हमको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है आगे। और 5 अलग अलग म्यूज़ियम है यहाँ पर अंदर, तो वो भी देखेंगे अभी हम। और ये है, ये जा रही है छोटी बच्ची, पता नहीं किसकी खो गई है ये जो जा रही है ये। और यहाँ पर मतलब अंदर 5 अलग अलग म्यूज़ियम हैं, वहाँ पर एंट्री टिकट्स हैं कुछ 50 to 60, अलग अलग म्यूज़ियम के अलग अलग प्राइसेस हैं, बट कोई नहीं। और अभी हम एक ही म्यूज़ियम के अंदर जाएंगे, बाकी नहीं। और इसकी एंट्री चार्जेस भी है, FRI के अंदर कुछ एंट्री चार्जेस हैं, तो 15 पर हेड है। और बाकी हम लोग काफ़ी एक्सप्लोर करेंगे अंदर, काफ़ी मज़ा करेंगे यहाँ पर। ठीक है दीदी, मसूरी चलते हैं अब। ओके, यहाँ का हो चुका है ख़त्म ब्लॉग, ठीक है? तो हम चलते हैं मसूरी, और वहाँ पर कहाँ जाना है हमको? कैंपटी फॉल। कैंपटी फॉल, तो चलते हैं कैंपटी फॉल की तरफ और देखते हैं क्या है। और अगर टाइम रहा तो दलाई हिल्स वहाँ पे क्या है, लेक देखते हैं, मैं भी नहीं गई। चलो तो एक्सप्लोर करते हैं, मिलते हैं मसूरी की तरफ। अति सुंदर, क्यों अब चेहरा दिखाओ। रेस्टोरेंट है तो अभी हमने ऑर्डर किया है पराठा, पनीर पराठा और आलू पराठा विद लिमका, क्योंकि यहाँ पर पनीर बहुत बेकार है, इसलिए इन्होंने पनीर पराठा ऑर्डर किया। अगर हम पनीर ऑर्डर करते तो वो बहुत थोड़ा सा मिलता और वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली था। गरीब लोग। हाँ समझ सकता हूँ मैं। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, कॉस्ट के अकॉर्डिंग क्वांटिटी कम आती है। हाँ
आगे चलते हैं, अभी हम देखते हैं और क्या क्या है यहाँ पे। बहुत तगड़ा पानी बह रहा है यहाँ। बच्ची ऋषिकेश। तो हम जा रहे हैं ऋषिकेश, दुर्भाग्यवश निकलता ही पंचर हो गया गाड़ी में। आधे घंटे और लेट हो गए अब हम। हमने सोचा जल्दी निकलेंगे बट किस्मत ख़राब है, क्या करें। बट देखते हैं वहाँ जाके क्या होगा, कुछ हिडन प्लेसेस जाएंगे हम, सोच रखा है मैंने। ऋषिकेश बात। अफसोस, कुछ नहीं।
लक्ष्मण झूला नहीं, राम झूला है, राम झूला। लक्ष्मण झूला तो बंद है, है ना? लक्ष्मण झूला तो बंद है ना, राम झूला है। हमारी भी बनाता है ये कट वीडियो। मंत्री है, ठीक है। हेलो, तो गाइस अभी हम नीलकंठ से वापस सो रहे हैं। अभी रात के 8:30 बज चुके हैं। अभी हम वापस जा रहे हैं, बहुत लेट हो गया था और 60 किलोमीटर था देहरादून से नीलकंठ, तो बहुत दूर था और पहाड़ों का रास्ता था, तो आपको पता ही है वहाँ पर क्या था। काफ़ी अच्छा था, वहाँ पर एक्सप्लोर किया हमने, हम लोगों ने। अभी हम वापस जा रहे हैं, बीच में पेट्रोल नंबर रखे हुए हैं, पेट्रोल लगाना है। अभी 15 किलोमीटर है यहाँ से और देहरादून, तो अभी पहुँच के मस्त खाना वाना खाएंगे फिर सो जाएंगे मस्त। तो कैसी लगी आपको वीडियो ज़रूर बताना, और सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर देना प्लीज़। बाकी हम चलते हैं आगे, अभी ये मेरी स्कूटी खड़ी हुई है यहाँ पर, और चलते हैं अभी और देखते हैं क्या है। काफ़ी दूर था यार, मज़ा आया पर आएंगे। बोतल नहीं भरी, चलते हैं अब। अरे बोतल भर लो ना, कहाँ है ये तो रही, डिक्की खोलो, भर नहीं जा रहा। चलते हैं अब घर, ठीक है। तो बाय बाय गाइस। कुछ खाना पीना है हमें, बस खाना खाएंगे यहाँ पर थोड़ा। अभी वाटरफॉल दिखाएंगे।
बहुत अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पर आगे डूंगा है ये, और अभी बिल्कुल साफ पानी है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा देख सकते हो जैसे कि आप, और यहाँ पर बड़े बड़े पत्थर हैं दूर दूर तक, यहाँ पर मतलब पीस प्लेस क्या सकते हैं है ना। यहाँ पर आगे बैठो बस।